हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडी। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो सबसे पहले हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है 2 कप दूध, करीब 4 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट और 1 टीस्पून अनस्वीटेड कोको पाउडर। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम ले लेंगे करीबन 1/2 कप दूध। उसमें हम डाल देंगे ड्रिंकिंग चॉकलेट, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर। इसे हम अच्छे से दूध में मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये हमारा कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी हो गया है। दूसरी तरफ एक पैन में हम ले लेंगे बचा हुआ दूध और उसमें हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर घुल जाने तक हम इसे उबाल देंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हमने बनाई हुई कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट की स्लरी। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। उबालते वक्त कॉर्नफ्लोर चिपकने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, इसलिए हमें कंटिन्यूअसली इसे चलाते ही रहना है। बिल्कुल मध्यम आंच पे करीबन 6 से 7 मिनट में ही यह मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। हमारा ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसे रख देंगे करीबन 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए। करीबन 1 ही घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हम इसे चॉकलेट स्प्रिंकल के साथ गार्निश करके सर्व कर देंगे। ये पुडिंग बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी बना है। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।